हेलो एवरीवन सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर नाइन से जितने भी एक्सेस वाले पार्ट से न्यूमेरिकल्स थे वो सारे न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए थियोरिटिकल पार्ट हमने पूरा कंप्लीट किया पूरा डिस्कशन के साथ अब जो लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर से डेट वन इज़ एम सी क्यूज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कौन से एम और किस टाइप के एम आपको पूछे जा सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सो so, ये एम डिस्कस करेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन हम लोग इस एम के अंदर कितने एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हैं बिकॉज़ ये आपका कॉम्पिटिटिव सेक्शन है जिसके अंदर स्पेशली इस चैप्टर को कंसिडर करते हैं हम इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपांशन ये दोनों चीज़ आपको साथ में पूछी जाती है और ये एक कम्बाइंड चैप्टर होता है बट हम थर्मल एक्सपांशन सेपरेटली एन से चैप्टर नंबर इलेवन में पूरा एक्सपांशन स्टडी करने वाले हैं सो so, अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको हम कॉम्पिटिटिव uh, सेक्शन में यूज़ करने वाले हैं इस फार्मूला की मैं सिर्फ़ आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा इस लेक्चर के अंदर इसका पूरा डिटेल कन्वर्जेशन और पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग न्यू चैप्टर के अंदर देखेंगे सो लेट अस स्टार्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपांशन जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट इट मीन्स कि हम बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे एंड ड्यू टू डेट हीट एनर्जी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर सरफेस या फिर उसके वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज होगा ये चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं सो so इसीलिए ये एक्सपांशन जो होगा ये स्पेशली हीट के लिए हीट के वजह से होगा और हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई की इसलिए इसको हमने नाम दिया थर्मल एक्सपांशन अब ये थर्मल एक्सपांशन कितने टाइप के हो सकते हैं तो फर्स्ट टाइप है हमारा लीनियर एक्सपांशन सेकेंड टाइप है सरफेस एक्सपांशन एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपांशन सो फर्स्ट लिनियर एक्सपांशन के अंदर हम लेंथ के अंदर चेंजेस देखेंगे सरफेस एक्सपांशन के अंदर हम सरफेस एरिया के अंदर चेंजेस देखेंगे एंड वॉल्यूम एक्सपांशन इज बेसिकली फॉर चेंज इन वॉल्यूम सो so, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें लीनियर एक्सपांशन सो इसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी यंग्स मॉड्यूलर्स एंड टेम्परेचर के रिलेशन में यूज़ किया था अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से यंग्स मॉड्यूलर्स में क्या चेंजेस होगा तो ये एक इंपॉर्टेंट एमची आपको एंट्रेंस में पूछे जाते हैं इस टाइप के कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा यंग्स मॉड्यूलर्स के साथ तो सबसे पहली चीज़ अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इट मीन्स इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा अगर लेंथ इंक्रीज़ हुई तो यंग्स मॉड्यूल्स इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर लेंथ इंक्रीज़ हुई इट मीन्स कि ये जो स्ट्रेन वाली जो क्वांटिटी है ये हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हुई अगर स्ट्रेन इंक्रीज़ हुआ इट मीन्स यंग्स मॉडुलर्स डिक्रीज होगा तो ये एक रिलेशन हमें पता है सो so, टेंपरेचर की वजह से कितना लेंथ में इंक्रीमेंट होगा चेंज इन लेंथ कितनी मिलेगी इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर एक्सपांशन और तीनों टाइप के एक्सपांशन के अंदर हमारे पास तीन डिफरेंट कोफिशेंट है डिपेंड्स कि ये लीनियर एक्सपांशन होगा तो हम इसमें यूज़ करेंगे कोअफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर दी सरफेस एक्सपांशन वी हैव को एफिशियंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन एंड फॉर दी वॉल्यूम एक्सपांशन वी हैव को एफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इट is denoted by गामा फॉर surface expansion इट is denoted by बीटा एंड फॉर linear expansion इट is denoted by अल्फ़ा तो so, ये तीन एक्सपांशन के सिम्बोल्स भी आपको याद रखने हैं और तीनों का इंटर रिलेशन भी है ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर इलेवन में सो डोंट बी कन्फ्यूज़ कि ये नया टॉपिक क्यों अभी स्टार्ट किया एम वाले पार्ट में बिकॉज ये यंग्स मॉड्यूलर्स एंड मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी का डायरेक्टली रिलेशन हम टेम्परेचर के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे हमें एम भी आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सो so ये सारी चीज़ डिस्कस होगी अगेन चैप्टर नंबर इलेवन के अंदर बट इस चैप्टर का ये जो फाइनल पार्ट है जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन के एम डिस्कस करने वाले हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी था कि आपको नए कौन से फॉर्मूला इस यंग्स मॉड्यूलर्स बल्क एंड शेयर मॉड्यूलर्स के साथ पूछे जा सकते हैं मतलब इसका इंटर रिलेशन क्या होगा ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था सो फर्स्ट फार्मूला लिनियर एक्सपांशन एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस आल्फा डेल्टा टी वेर एल इज लेंथ लेंथ आफ्टर एक्सपांशन एल नॉट मीन्स ओरिजिनल लेंथ और वी कैन से लेंथ बिफोर एक्सपांशन आल्फा मीन्स को एफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन सो इसी फॉर्मूला को और भी प्रॉपरली हम डिराइव करें मतलब कि अरेन्ज करें तो एल बाई एल नॉट विच इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी सो एल बाई एल नॉट माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी सो वी गेट एल माइनस एल नॉट बाई एल नॉट विच इज इक्वल टू आल्फा डेल्टा टी एल माइनस एल नॉट मीन्स क्या हो जाएगा ये डेल्टा एल विच इज इक्वल टू आल्फा ओरिजिनल लेंथ साइड चेंज करी हमने डेल्टा टी तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सो so, एक ही फॉर्मूला हमें याद रखना ये बेसिक वाला एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इसी बेसिक फॉर्मूला से हम फ्रैक्शनल चेंज या फिर डेल्टा एल चेंज इन लेंथ ये कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं तो सेम फॉर्मूलेशन बाकी के दो एक्सपांशन के लिए सेकेंड वन सरफेस एक्सपांशन ए इज इक्वल टू ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे को एफिशेंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन इज डिनोटेड बाय बीटा वेयर बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा जिसको हम प्रॉपरली प्रूव करेंगे अभी के लिए याद रखना ही है ये सो so, इसी फॉर्मूला को लिखे तो ए इज इक्वल टू ए नॉट वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी इसी से आप फ्रैक्शनल चेंज देन चेंज इन एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो सो so, अगर डायरेक्ट लिखे हम तो ये हो जा ए माइनस ए नाट बाई ए नॉट विच इज़ इक्वल टू वन प्लस टू अल्फ़ा डेल्टा टी सो ये हो जाएगा डेल्टा ए विच इज इक्वल टू सॉरी वन प्लस नहीं होगा डायरेक्टली साइड चेंज किए हमने सो डेल्टा ए इज इक्वल टू टू अल्फा ए नॉट डेल्टा टी और वी कैन से बीटा ए नॉट डेल्टा टी सो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हम एक बेसिक फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं नाउ द लास्ट वन इज़ वॉल्यूम एक्सपांशन

एंड फ्रैक्शनल फॉर्म में देखें तो वी माइनस वी नॉट बाय वी नॉट इज इक्वल टू थ्री अल्फा डेल्टा टी और वी कैन से गामा डेल्टा टी नाउ डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी सो इस टाइप से हम किसी भी एक्सपांशन uh, को इजीली डिनआउट कर सकते हैं और ये सारे फॉर्मूलाज यूजफुल है चैप्टर नंबर नाइन के एम सॉल्व करने में वो भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन वाले एम सी क्यूज सो इतने फॉर्मूलाज आपको एक्स्ट्रा याद रखने इस चैप्टर के लिए जिसका पूरा डेरीवेशन हम लोग न्यू चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सो so, अब इतने डिस्कशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एम सी क्यूज सो नाउ लेट इटार्ट दर्स्ट एम सी क्यू अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ टू वेल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए इज स्ट्रेच्ड वेल विद इन इलास्टिक लिमिट होरिस बिट्वीन टू पिलर्स एज शोन इन द फिगर अ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर द मिड पॉइंट लोअर बाय डिस्टेंस स्मॉल एक्स देन स्ट्रेन इन द वायर इज स्टेच अब हमें इस एम सी क्यू के अंदर एक तो टू एल लेंथ का वायर गिवन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए इस वायर को हमने दो पिलर से पिलर वन एंड पिलर टू इस दोनों पिलर के साथ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच करके फिक्स किया है मतलब आफ्टर स्ट्रेचिंग एट इलास्टिक लिमिट इसकी टोटल लेंथ कितनी है टू एल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है अब इस वायर के मिड पॉइंट पे हमने स्मॉल एप मास को हैंग किया जिसकी वजह से उसका मिड पॉइंट एक्स डिस्टेंस जितना लोअर आया मतलब कि इतना हमें इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मिला ये वाला पार्ट और हमें कैलकुलेट करना है वायर की स्ट्रेन मतलब कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है कितनी लेंथ इंक्रीज हुई होगी यह हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा बिकॉज स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा एल बाई एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अब हमारे पास ओरिजिनल लेंथ तो टूएल्थ है सो so, हमें इस एम सी क्यू के लिए सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करनी होगी वो डेल्टा एल अगर हमने डेल्टा एल कैलकुलेट कर लिया देन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके हम डेल्टा एल बाई एल इट मीन्स की स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं अब कितना चेंज हुआ होगा इस डायग्राम को आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी फाइनल लेंथ है ये डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखाई ये फाइनल लेंथ मतलब कि आफ्टर एक्सपांशन और ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे ये ट्वेल्व गिवन है डायग्राम के अंदर तो हम ये फाइनल लेंथ ये डॉटेड लाइन वाली जो लेंथ हम टोटल कैलकुलेट कर ले और उस लेंथ से हम टूवेल्व को माइनस करें तो हमें डायरेक्टली डेल्टा एल मिल जाएगा सो so, इसी डायग्राम को प्रॉपर वे में हम डिस्क्राइब करते हैं सपोज ये हमने मान ली टूवेल लेंथ ये वाला पॉइंट हमने मान लिया मिड पॉइंट हमारा सो आफ्टर एक्सपांशन सिर्फ हमने यहां पे ये एक्सपांशन दिखाया है कितना लोअर हुआ मिड पॉइंट एक्स डिस्टेंस जितना ये एक्स डिस्टेंस ये फर्स्ट और ये सेकेंड पॉइंट मतलब कि ये वाली लेंथ हो जाएगी एल ये वाली लेंथ भी हो जाएगी एल मतलब टोटल लेंथ टू एल अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाली टोटल लेंथ इसको हम अलग पेन से डिनोट करते हैं ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है और यहाँ से ये वाली लेंथ अगर ये हमें टोटल लेंथ मिली जिसको हम टूवेल्व से माइनस कर लेंगे देन वी गेट डेल्टा एल सो इसको हम प्रॉपरली डिनोट करते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी और ये मिड पॉइंट हमारा एम इसको हम डिनोट कर लेते हैं ओ से अब हमें यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री यूज़ करनी है और ज्योमेट्री से हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं सो so, अभी के लिए हम ये डायग्राम को और भी ईजी वे में बनाते हैं। नाउ सपोज ये जो हमारा मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट के साथ ये हमने एंगल मान लिया थीटा, ये भी एंगल थीटा, सेम वायर सेम मास हमने हैंग किया इट मीन्स कि दोनों के साथ ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे थीटा एंगल फॉर्म करेगा अगर ये थीटा एंगल है और हमने यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बनाया तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाई इस वाली साइड के लिए ए एम साइड के लिए और ये होगा हमारी बी एम साइड के लिए इसको अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि नाइन्टी डिग्री बनाया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा नाइन्टी माइनस थीटा नाइन्टी माइनस थीटा अगर ये नाइन्टी माइनस थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी हमारा हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा बिकॉज ये भी हमारा नाइन्टी ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा तो ये सिंपल ज्योमेट्री आपको यूज़ करनी है और ज्योमेट्री यूज़ करने के बाद सिर्फ आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है अब आपको ये वाली साइड भी मिल जाएगी और ये वाली साइड भी मिल जाएगी और हमें ये पता है डायग्राम से कि एम इज़ इक्वल टू बी एम भी है मतलब कि हम सिर्फ ए एम को भी कैलकुलेट कर लें और उसको टू टाइम्स कर लें मतलब टोटल फाइनल लेंथ मिल जाएगी जिसको हम टूएल्व से माइनस कर लेंगे अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम डेल्टा एल इज़ इक्वल टू डायग्राम से क्या होगा तो एम बी ये टोटल लेंथ माइनस ए बी ओरिजिनल लेंथ ए एम बी मतलब क्या हो जाएगा एम और एम बी सेम है तो टू टाइम्स ए एम माइनस टू टाइम्स एल टोटल लेंथ यहाँ से अगर हम टू कॉमन ले तो यहां पे बचेगा ए एम माइनस एल ये हमारा डेल्टा एल का बेसिक टर्म ये हमने डायग्राम से जितने भी पॉसिबिलिटीज है इसको हमने डिनोट कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डेल्टा एल का कैलकुलेशन ए एम मतलब कितना होगा तो पाइथागोरस फॉर्मूला ट्राइंगल एओ एम के लिए अप्लाई करो तो एम मतलब कि हमारा हाइपोटेनियस होगा सो so, फ्रॉम फिगर ए एम इज इक्वल टू डायग्राम से एम फाइंड आउट करते हैं हम तो ये हो जाएगा एल स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेस टू हाफ इसी एम को हम डेल्टा एल के फॉर्मूला इस इक्वेशन में अप्लाई करें तो टू टाइम्स इंटू ब्रैकेट एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेर रेस टू हाफ माइनस एल अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे तो इस वाले टर्म से हम एल को कॉमन ले लिया अगर हमने इस पूरे टर्म से एल को कॉमन लिया इट मीन्स कि इसके अंदर टर्म कौन सा होगा हमारे पास एल स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे एल हमने कॉमन लिया इस वाले टर्म से एल और इस पूरे टर्म से एल जिसके ऊपर पावर है वन हाफ तो इसको हम कैसे एल कॉमन लेंगे ये सिंपल मैथेमेटिक्स है एल को हमने कॉमन ले लिया तो इसके अंदर से हमें एल स्क्वायर को कॉमन लेना होगा अगर हमने एल स्क्वायर को कॉमन लिया तो एल स्क्वायर के प्लेस पे बचेगा वन प्लस यहाँ पे तो एल का टर्म है ही नहीं तो हमने इसको एल स्क्वायर से डिवाइड कर लिया ये टर्म हो जाएगा टू हाफ माइनस वन सो ये एक्सपांशन ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने इसके अंदर इस पूरे इक्वेशन से एल को कॉमन लिया जब एल को कॉमन लेंगे तो इस वाले टर्म से एल स्क्वायर को कॉमन लेना होगा बिकॉज इस वाले टर्म के ऊपर है पावर हाफ सो so अंदर से हम एल को निकालेंगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा अगर हम एल स्क्वायर को निकालेंगे तब जाके हमारा एल कॉमन निकलेगा बिकॉज पावर हाफ़ है तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है इसको हम और भी डिस्कस नहीं करेंगे सिंपली सिंपल टर्म्स है आप इसको और भी एक्सपांड करके एक एक दो स्टेप और इंक्रीज करके भी आप आप इसको इस टर्म से एल को कॉमन निकाल सकते हो सो फर्दर डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेल्टा एल इज़ इक्वल टू टू एल इन टू ब्रैकेट अब यहाँ पे हमें क्या करना है तो अब यहाँ से हमें बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करना है तो फर्स्ट टर्म एज़ इट इज़ हमारा सेकेंड टर्म के साथ हम पावर मल्टीप्लाई करेंगे पावर है रेज टू हाफ एक्स स्क्वेयर बाई एल स्क्वायेर प्लस थर्ड टर्म होगा हमारा जिसके अंदर पावर एक्स क्यूब होगा इसके बाद पावर और भी बढ़ता जाएगा और हमें ये कंडीशन यहाँ पे मिलेगी कि ये जो एक्सपांशन है हमारा एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन एल इट मीन्स कि जितना एक्स का पावर बढ़ेगा उतनी ये वैल्यू हमारी छोटी होती जाएगी और इसीलिए ये फर्दर टर्म्स हमारे जो होंगे ये सारे स्मॉलर टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सारे स्मॉलर uh, टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं ये रूल हम फिजिक्स में यूज करते हैं नाउ डेल्टा एल इज इक्वल टू टू एल इंटू ब्रैकेट वन प्लस हाफ एक्स स्क्वेर बाई एल स्क्वायेयर बाकी के टर्म को हमने निग्लेक्ट किया माइनस वन सो ये वन भी कैंसिल यहाँ से तो फाइनली डेल्टा एल इज़ इक्वल टू टू एल इंटू एक्स स्क्वायेर बाई टू एल स्क्वायेर सो ये फाइनल टर्म कौन सा होगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई एल ये हमारा सिर्फ डेल्टा एल तक का कैलकुलेशन है ये ऑप्शन में देख के आपको टिक नहीं करना है हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेन इन वायर सो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल और हमारी ओरिजिनल लेंथ कितनी है और डेल्टा एल कितना है तो डेल्टा एल एक्स स्क्वायर बाय एल और ओरिजिनल लेंथ है हमारी टू एल सो फाइनली जो टर्म बचेगा ये होगा एक्स एक्सक्वायर बाय टू एल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा ऑप्शन ए और एक चीज़ यहाँ से ऑप्शन ए के लिए अगर देखो तो स्ट्रेन के स्ट्रेन के पास कोई डायमेंशन नहीं है कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ पर एक्सक्वायर बाई एल स्क्वायेयर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब कि यूनिटलेस एक्स बाई एल ये वाला भी यूनिटलेस मतलब ये दो ऑप्शन में से किसी एक को हम कंसिडर कर सकते हैं अगर हम टाइम सेव करना चाहते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा बट चार ऑप्शन में से हम किसको कैंसिल कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन तो ये थर्ड ऑप्शन देखिए एक्सक्वेयर बाई एल मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर मतलब कि यहाँ पे यूनिट मिलेगा विच इज़ नॉट पॉसिबल एक्स स्क्वायेर बाई टूवेल्व अगेन यहाँ पे यूनिट मिलेगा मीटर तो ये भी नहीं ये भी पॉसिबल नहीं होगा तो इसीलिए जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हो इससे पहले अगर हमने ये चीज़ देख ली तो हमारे ऑप्शन सी एंड डी तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे तो ये श्योर sure हो जाएगा कि ऑप्शन ए और बी से ही कोई ना कोई आंसर होगा और हमने कैलकुलेशन के बाद देखा तो हमें आंसर मिला ऑप्शन ए सो इस मेथड से भी आप थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो नाउ एम सी क्यू नंबर टू एन एक्सटर्नल प्रेशर पी इज अप्लाइड ऑन अ क्यूब एट जीरो डिग्री सेल्सियस सो डेट इट इज इक्वली कंप्रेज फ्रॉम ऑल साइड्स के इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटीरियल ऑफ द क्यूब एंड आल्फा इज इट्स को एफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन सपोज वी वॉन्ट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाई हीटिंग तो टेम्परेचर शुड बी रेज बाय डैस डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहली चीज जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो थ्री डायमेंशनल क्यूब गिवन है हमें सो so, इसलिए यहाँ पे जो थर्मल एक्सपांशन यूज होगा ये एक्सपांशन होगा हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन ये चीज आपको क्वेश्चन रीड करने के साथ क्लिक होनी चाहिए सेकेंड पॉइंट बल्ब मॉड्युलिवन है कैपिटल के एंड प्रेशर हमने अप्लाइड किया है कैपिटल पी जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया कंप्रेशन इक्वली सारी डिरेक्शन से होगा और हमें क्या करना है इस क्यूब को अपनी ओरिजिनल साइज में लाना है उसके लिए टेम्परेचर कितना हमें इंक्रीज करना होगा ये हमें पूछा है तो so, सबसे पहले लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बी इज इक्वल टू पी वी बाई डेल्टा वी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले टर्म को हमने यहाँ पे लिखा सो so, यहाँ से प्रेशर कितना बनेगा पी इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा वी बाई वी ये एक इक्वेशन प्रेशर के लिए बनी सेकेंड वॉल्यूम एक्सपांशन बिकॉज हमें एक्सपांशन के लिए अल्फा दिया है कोअफिशेंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन सो V इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस थ्री आल्फा डेल्टा टी अगर हम डेल्टा वी कैलकुलेट करें यहाँ से हमने ऑलरेडी नोट्स में दिखाया था और एक बार यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ वी बाई वी नॉट माइनस वन थ्री अल्फा डेल्टा टी सो वी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू थ्री अल्फा डेल्टा टी और ओरिजिनल वॉल्यूम हमने माना है वी सो वी माइनस वी नाट इज इक्वल टू थ्री अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू वी नॉट और ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा डेल्टा वी विच इज़ इक्वल टू थ्री अल्फा वी नॉट डेल्टा टी और ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम एक्सपांशन में सिंबल यूज़ करते हैं वी सो so इसको हम चेंज भी कर लेते हैं थ्री अल्फ़ा वी डेल्टा टी सो डोंट बी कन्फ्यूज़ कि यहाँ पे हमने वी रख लिया माइनस so, v जीरो हुआ सिर्फ हमने सिंबल चेंज किया है सो so, ये डेल्टा बी का फाइनल टर्म अब हमें क्या करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला p इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा v के प्लेस पे लिखेंगे थ्री अल्फा वी डेल्टा टी बाई वी सो ये वॉल्यूम कैंसल

एम सी क्यू नंबर थ्री अ स्टील रिंग ऑफ रेडियस आर एंड क्रॉस सेक्शनर एरिया कैपिटल ए इज फिटेड ऑन टू अ वुडन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर वेर आर इज ग्रेटर देन आर इफ द यंग्स मॉडलर्स ऑफ स्टील इज वाई देन द फोर्स विथ विच द स्टील रिंग इज एक्सपांडेड तो ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक वुडन व्हील है जिसके ऊपर हमें स्टील की एक रिंग चढ़ानी है हम नॉर्मली ये प्रोसीजर हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी कि हम उस स्टील रिंग को पहले हीट करेंगे उसकी लेंथ में थोड़ा एक्सपांशन होगा उस हीटेड रिंग को हम वुडन प्लेट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर पानी हम लोग डालेंगे जैसे हमने वाटर अप्लाई किया इसके ऊपर इसका अगेन कंप्रेशन हो जाएगा और इसी वजह से वो वुडन डिस्क के ऊपर फिट हो जाएगी तो ये तो हमने नॉर्मली लोअर uh, स्टैंडर्ड में भी ये प्रोसीजर पड़ी थी बट अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि फोर्स विथ विच द स्टील रिंग इज एक्सपांडेंड कितने फोर्स से ये एक्सपांशन होगा तो यंग्स मॉड्यूल्स गिवन है हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो यंग्स मॉड्यूलर्स के लिए फॉर्मूला कौन सा है हमारा तो y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल सो एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल यंग्स मॉड्यूल्स वाई गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए भी हमें गिवन है डेल्टा एल बाई एल अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू मिलेगी सो so, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर कि सबसे पहली चीज़ डेल्टा एल बाई एल के लिए डेल्टा एल क्या होगा तो डेल्टा एल मीन्स कि चेंज इन लेंथ तो कितनी लेंथ चेंज होगी तो हमें आर इज ग्रेटर देन आर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन आर गिवन है मतलब कि वुडन डिस्क जो होगी उसकी रेडियस ऑब्वियसली स्टील रिंग से ज्यादा होगी स्टील रिंग को हम हीट करके इसकी रेडियस के अंदर एक्सपांशन करते हैं इसके बाद वो वुडन डिस्क के ऊपर फिट हो जाएगी सो फर्स्ट कैलकुलेट करते हम लेंथ और वी कैन से सरकमफर ऑफ अ वुडन डिस्क विच इज इक्वल टू टू पाई कैपिटल आर देन लेंथ और सरकमफरेंस ऑफ स्टील रिंग व्हिच इज इक्वल टू टू पाई स्मॉल आर सो चेंज इन लेंथ कितनी चेंज होगी तो टू पाई आर माइनस टू पाई आर बिकॉज हमने स्टील रिंग को हिट किया सो so, ये होगा टू पाई आर माइनस स्मॉल आर ये हमें मिलेगा डेल्टा एल अब हम कैलकुलेट करें स्ट्रेन इट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल सो टू पाई आर माइनस आर और हमारी ओरिजिनल लेंथ जिसके अंदर एक्सपांशन हुआ तो एक्सपांशन किसके अंदर हुआ स्टील रिंग के ऊपर बिकॉज हमने स्टील रिंग के ऊपर हीटिंग किया तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे गलती से भी टू पाई कैपिटल आर नहीं लिखना है आपको लॉजिक याद रखना है ना कि इसको रट्टा मारना है सो स्टील रिंग को हमने हीट किया तो स्टील रिंग के अंदर ही एक्सपांशन हुआ होगा तो ओरिजिनल लेंथ भी हमें स्टील रिंग की ही कंसिडर करनी है सो so, ये हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर ये हमारा डेल्टा एल बाई एल सो ये बेसिक कंसेप्ट हम इस एम सी क्यू में यूज़ करते हैं अब हम डायरेक्टली फोर्स कैलकुलेट करें तो एफ इज इक्वल टू वाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल तो इसको हम डेल्टा एल बाई एल से रिप्लेस करें तो ये होगा आर माइनस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर तो ये हमारा फाइनल आंसर तो ये ऑप्शन कौन सा होगा हमारा आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ये हमारा करेक्ट आंसर है नाउ द नेक्स्ट वन इफ वायर इज एक्सटेंडेड टू अ न्यू लेंथ एल द वर्क डन इज ये एमसीक्यू हमने ऑलरेडी एक सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया था और इसका कैलकुलेशन भी किया था सो so इसको हम फटाफट से खत्म करते हैं वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन के लिए फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करें तो y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा l और डेल्टा l को हम डिनोट करते हैं स्मॉल x से सपोज स्मॉल x जितना हमने एक्सटेंशन किया नाउ इसी से फोर्स लिखे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये y a अपॉन ओरिजिनल लेंथ सॉरी न्यू लेंथ हमें स्मॉल l गिवन है तो पहले से इसके अंदर हम चेंज कर लेते हैं कैपिटल एल से डिनोट करेंगे कैपिटल एल इन स्मॉल एक्स मतलब कि चेंज इन लेंथ ये फोर्स का फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप अब हमें क्या करना है इसके अंदर वर्क डन कैलकुलेट करना है और एक चीज यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यंग्स मॉड्यूलस कॉन्स्टेंट एरिया कांस्टेंट कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ हमारी कांस्टेंट तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी लिख सकते हम सो एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट के इन टू एक्स वेर के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम वाई ए अपॉन एल तो ये भी टर्म हम याद रख सकते हैं अब हम कैलकुलेट करते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ़ डी एक्स स्मॉलर वर्क डन तो एफ़ के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया के इन टू एक्स इंटू डी एक्स डी डब्ल्यू सो टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स अब आपको इंटीग्रेशन के टर्म भी पता है सो डब्ल्यू इज इक्वल टू के एस इट इज़ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू सो ये टर्म होगा हाफ के एक्सर नाउ एक्स मतलब क्या होगा हमारा चेंज इन लेंथ विच इज इक्वल टू क्या होगा तो हमारी ओरिजिनल लेंथ में से इसको माइनस किया तो ओरिजिनल लेंथ से कितना एक्सपांशन हुआ तो हमने न्यू लेंथ ली एल माइनस ओरिजिनल लेंथ ली है यहाँ पे कैपिटल एल तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एल माइनस कैपिटल एल तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इन टू के मीन्स यहाँ से यूज़ करें तो वाई ए अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू एल माइनस एल होल स्क्वायर सो ये हमारा फाइनल टर्म होगा और इसी टर्म के साथ हम मैच करें ऑप्शन को तो ऑप्शन कौन सा होगा ये वन बाई टू वाई ए अपॉन एल एल माइनस एल डेज होल स्क्वायर यहाँ पे एल डेज से हमने ओरिजिनल लेंथ को डिनोट किया ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे कैपिटल एल से भी डिनोट कर सकते हैं इन शॉर्ट हमारा कंसेप्ट ठीक होना चाहिए और इस ऑप्शन के साथ मैच होना चाहिए तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थ्री मीन्स ऑप्शन सी नाउ द नेक्स्ट वन एम सी क्यू नंबर फाइव अब इस एम के अंदर भी हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम का और इसके बेसिस पे आपने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट देखी थी और आपने आई थिंक इसके अंदर चेंज इन लेंथ या फिर टाइम के साथ कितना चेंज होगा लेंथ के अंदर मतलब कि uh, आपने शायद इस एरर वाले न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज़ किया था जिसके अंदर हमने टाइम पीरियड के टाइम uh, पीरियड के ऑब्जर्वेशन लिए थे और उसी ऑब्जर्वेशन से हमने डेल्टा एल कैलकुलेट किया था सो so, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है आप ऑलरेडी ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हो बाकी का इस फॉर्मूला का कंप्लीट डेरिवेशन चैप्टर नंबर फोर्टीन में होगा थर्टीन फोर्टीन में सो so, ये हम लोग पूरा डेरिवेशन बाद में देखेंगे अब पहले क्वेश्चन रीड करते हैं अ पेंडुलम मेड ऑफ़ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए हैज टाइम पीरियड कैपिटल टी एरिया ए टाइम पीरियड कैपिटल टी वेन एन एडिशनल मास एम इज एडेड टू इट्स बॉब द टाइम पीरियड चेंजेस टू टी एम इफ द यंग्स मॉड्यूल ऑफ द मटीरियल ऑफ द वायर इज वाई देन वन अपॉन वाई इज इक्वल टू डैच हमें वन अपॉन वाई ये इनवर्स टर्म फाइंड आउट करना है हमने एडिशनल मास कैपिटल एम को एड किया तब टाइम पीरियड चेंज हुआ टी एम जितना और हमें वन अपॉन वाई मीन्स की यंग्स मॉड्यूल सी यहाँ पे ऐड करना है अब सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर एल बाई जी क्वेश्चन नंबर वन अब जैसे हमने मास इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट मिला हमें आफ्टर इंक्रीजिंग मास कैपिटल एम टाइम पीरियड कितना हुआ उसका टी एम से डिनोट किया सो टी एम इज इक्वल टू टू पाई लेंथ के अंदर जो हमें चेंज मिला होगा तो लेंथ के अंदर चेंज कैसे लिखेंगे एल प्लस डेल्टा एल अपॉन जी तो ये इक्वेशन नंबर टू अब हमें फाइंड आउट करना है यंग्स मॉड्यूलस सो यंग्स मॉड्यूलस के लिए हम कैलकुलेशन दिखाए तो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल सो डेल्टा एल बाई एल इसी कोल्टू क्या हो जाएगा ये एफ अपॉन ए वाई और एफ के प्लेस पे लिखेंगे हम एम इंटू जी अपॉन ए इंटू वाई ये यंग्स मॉड्यूल्स का एक बेसिक टर्म अब जैसे हमने मास इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड चेंज हुआ सो so, अब क्या करेंगे हम इसी इक्वेशन के साथ रिलेशन फाइंड आउट करें इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू के साथ सो so, इसी के अंदर हम ऐड करते हैं डिवाइडिंग, इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन वन एंड डू स्क्रिंग स्क्वायर भी कर लिया हमने बिकॉज अंडर रूट वाला टर्म है तो so, स्क्वांग के साथ ये हो जाएगा टी एम स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू पाई टू पाई कैंसिल स्मॉल जी स्मॉल जी कैंसिल तो एल प्लस डेल्टा एल बाई एल बचेगा विच इज़ इक्वल टू वन प्लस डेल्टा एल बाई एल तो ये स्क्वायरिंग करने का मेन रीज़न हमें डेल्टा एल यहाँ से फाइंड आउट करना था सो डेल्टा एल बाई एल के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम टी एम सी होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन तो ये हम हमने फाइंड आउट किया डेल्टा एल बाई एल नाउ वाई इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए वाई विच इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम डेल्टा एल बाई एल So, अब हमें फाइंड आउट करना है वन अपॉन वाई सो वन अपॉन वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे हम तो सबसे पहले तो हम बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेसिक फॉर्मूला एफ एल बाई ए डेल्टा एल सो वन अपॉन वाई कितना होगा वन अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इन टू ए बाई एफ ये बेसिक टर्म अब डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू सब्सटिट्यूट करेंगे तो वन अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एज इट इज़ एफ के प्लेस पे लिखेंगे एम जी एंड डेल्टा एल बाई एल के प्लेस पे लिखेंगे हम टी एम स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस वन सो ये हमारा फाइनल टर्म सो मैचिंग वाला टर्म कौन सा होगा हमारा ए अपॉन एम जी ये ऑप्शन ए टी एम होल स्क्वायर टी एम बाई टी होल स्क्वायर माइनस वन सो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर सो इस लेक्चर के अंदर फॉर्मूलाज़ जो एक्स्ट्रा हम यूज़ करने वाले हैं और पांच एम सी क्यूज हमने डिस्कस किए अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के पांच एम सी क्यूज और चैप्टर ओवर थैंक यू